नाजरीन, हमारे साथ में इस वक्त एशिया एक्सप्रेस के एडिटर ऑफ चीफ मुश्तफ़ा फारूक साहब मौजूद है। हिजाब के ताल्लुक से जो है हम मुश्तफ़ा साहब की जो है राय जानना चाहते हैं। कर्नाटक में जो हिजाब के ताल्लुक से मसला दरपेश आया है, आप इस पर अपना क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, कर्नाटक की तो एक लोकल इंसिडेंट था, लेकिन जो इंसिडेंट है वो ऐसा नहीं लगता कि वो अनप्लान्ड था, इसलिए कि कोई चीज़ अनप्लान्ड हो तो अचानक इतने लड़के भगवाधारी नहीं आते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनका मफाद इससे वाबस्ता है कि मुल्क में नॉन इशू को इशू बनाया जा सके। अब ये मुसलमानों पर भी है और उस सेकुलर तबके पर भी है कि ये फितने को हम कैसे लें। मसलन पहली बात यह है कि हम ये समझते हैं कि कपड़ों का बेहतर और ज़्यादा और इस्तेमाल वो तो एक शराफत है। बहसियत मुसलमान के मैं आपको ये हवाला अगर दूं कि जब कुरान में इसका ज़िक्र किया कि आदम अलैहिस्सलाम को जिस काम से मना किया गया था, जब उन्होंने वो कर लिया तो उनके कपड़े उतर गए और वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने फिर जो है पत्तों से अपने आप को ढांका। तो मालूम यह हुआ कि कपड़े उतारना तहजीब नहीं है, कपड़े उतारना तो सज़ा है। तो जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं वो हमेशा से कपड़ों को अहमियत देते आए हैं, जो अनसिविलाइज्ड रहे हैं उन्होंने कपड़ों से गुरेज किया है। और हिंदुस्तानी आलमी तारीख है कि जब तबकाती कशमकश पाई जाती थी तो जिन तबकात को पस्त समझा गया उनको कपड़े नहीं पहनने दिए गए। अभी सदी डेढ़ सदी पहले तक भारत में दलित औरतों को कुछ रियासतों में टॉप का पहनने की इजाज़त नहीं थी, वो टॉप खुले रखने पड़ते थे उनको। तो ये जो मानसिकता है कपड़े उतारने की, ये एक पस्त मानसिकता है, एक हारी हुई सोच है। लेकिन इसको जज्बातियत के नाते जिस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, तो जो लोग अपनी बेटियों को कवर नहीं कर सकते वो अपनी शर्म मिटाने के लिए दूसरी बेटियों के कवर उतारना चाहते हैं। तो हम तो उनकी बेटियों को भी अपनी बेटी समझते हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ भी कवर्ड रहें। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मुसलमानों में प्रैक्टिस नहीं रही है, बल्कि हिंदुस्तान में आपको कई ऐसी स्टेट्स मिलेंगी आज भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कि वो घूंघट डालते हैं। कपड़े डालने का मुख्तलिफ अंदाज़ है। तो जो लोग ये मुखालफत कर रहे हैं ये इसको एक गैर ज़रूरी सियासी हवा दे रहे हैं। एक और बात इसमें अर्ज ये करना है कि ये जो हिजाब वाला इशू है, ख़ुद मुसलमानों को भी उठाए जाने वाले इशूज़ को ऐसे लेकर नहीं खड़ा होना चाहिए जिससे इस्लाम को तकवीत पहुँचने के बजाय रसवाई हो। मसलन ये तीन तलाक में क्या अप्रोच हो, ये एक मसले की मसला है, लेकिन जिस तरीके से मिल्ली सतह पर मुल्क में हमने उसका तारुफ करवाना चाहिए था वैसा नहीं करवा सके। तो नतीजा ये हुआ कि जो इस्लाम का एक रोशन पहलू था वो जाकर एक ऐसा पेश हुआ जिस पर लोगों को शिकायत हुई और इस्लाम से शिकायत होने लगी। यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि हिजाब के अतबार से मखसूस साख का कपड़ा, मखसूस कलर का कपड़ा पहना जाए। वो तो एक अपना स्टाइल है, कन्वीनियंस के लिए हमने बुरख़ा पहना है। तो हमको इस्लाम के उस जाविये से पेश करना चाहिए कि मॉडेस्टी और हया क्या है और हया की तकमील कैसे होती है। जब वो तकमील के अतबार से देखते हैं तो हमारा सर ढकेगा, हमारे कपड़े सातिर रहेंगे, उसका कलर कोई हो सकता है, उसका शेप कोई हो सकता है। मकसद ये है कि सातिर हो और वो तकाज़ों की तकमील करें। तो हमको भी रिवायत में अड़ना नहीं चाहिए, मकसद पर कायम रहना चाहिए और मकसद की वो तौजीह करना चाहिए कि दूसरे समाज की बेटियां भी ये समझें कि इससे अच्छा तरीक़ा क्या हो सकता है। आज तो मास्क ने और स्कार्फ ने गैर मुस्लिम बेटियों को इतना आदि बना दिया है कि आम तौर पर आप देखेंगे तो हिंदू लड़कियाँ भी या किसी समाज की लड़कियाँ वो बाहर निकलती हैं तो स्कार्फ लपेट कर निकलती हैं। इसका मतलब फितरत उनको उससे कन्विंस करती है और इस्लाम दीन फितरत है। तो इसको उसी सियाख में लेना चाहिए, उसी सियाख में पेश करना चाहिए। और जो लोग इसको सियासत कर रहे हैं वो कल अपनी बेटियों को बेहिजाब करना चाहते हैं, उनको बेसतर करना चाहते हैं, उनको अपनी बेटी बहनों के लिहाज करना चाहिए और इस्लाम की जो कदरें हैं उसको समझने की जस्तजू करना चाहिए।